जहानाबाद के स्थानीय एसएन सिन्हा कॉलेज में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर सृजनात्मक सोच आधारित कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर सिंह के करकमलों द्वारा हुआ, जिसमें वेबसाइट का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया गया। कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग द्वारा आयोजित कराए जा रहे इस कार्यक्रम में प्राचार्य सहित अन्य शिक्षकों को उपहार स्वरूप पौधा भी प्रदान किया गया एवं कॉलेज प्रांगण में वृक्षारोपण भी हुआ। प्राचार्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, इसको संरक्षित रखना और सभी प्रकार से जैविक एवं अजैविक संतुलन कायम रखना अति आवश्यक है। वहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शशिधर गुप्ता ने भी सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए विश्व पृथ्वी दिवस के इतिहास, वर्तमान समय में प्रासंगिकता एवं समस्त मानव जाति द्वारा पृथ्वी को संरक्षित किए जाने का प्रयास एवं जागरूकता पर प्रकाश डाला। पृथ्वी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में पृथ्वी एवं तकनीक से संबंधित उद्देश्य पर 3 प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। पोस्टर मेकिंग, शॉर्ट मूवी मेकिंग और इनोवेटिव आइडिया एंड सॉल्यूशन में 3 श्रेणियों में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। पृथ्वी एवं तकनीक से संबंधित कार्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण से पृथ्वी संरक्षण के प्रयासों पर अमल करने और जन जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों में दिव्यांशु आनंद ने प्रथम, निधि कुमारी ने द्वितीय और पंकज कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इनोवेटिव आइडिया एंड सॉल्यूशन प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों में सुप्रिया कुमारी ने प्रथम, आशीष भारती ने द्वितीय और पुष्पांजलि कुमारी और पल्लवी पाठक संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। वहीं शॉर्ट मूवी मेकिंग प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों में मनीष कुमार, प्रिंस कुमार एवं बलजीत कुमार ने संयुक्त रूप से प्रथम, आशीष भारती ने द्वितीय और हेमंत कुमार, दिव्यांशु आनंद संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त करने में सफल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर राजकुमार मिश्र, डॉक्टर नूतन, प्रमिला कुमारी, अर्चना कुमारी, राजेश कुमार शामिल रहे। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे आज महाविद्यालय में एक भव्य आयोजन हम लोग सभी ने मिलकर किया है। हमारा स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसका थीम है अर्थ एंड टेक्नोलॉजी। हम इस पर, इस विशेष उत्सव पर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हम कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को इको फ्रेंडली और अधिक बनाएं, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण में होने वाला ह्रास है, जो गिरावट है, उसको कैसे सुधार सकें। तो इसमें हम लोगों ने 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जैसे कि सर ने बताया, और तीनों प्रतियोगिताओं में बच्चों ने विशेष अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और पोस्टर प्रतियोगिता और लघु चित्र, जिसे शॉर्ट मूवी कहते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग इनोवेटिव आइडिया पे भी काम किया है। और इनोवेटिव आइडिया इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बीसी एक बच्चे इस पर 2-3 साल काम करेंगे और लास्ट में जाकर उसमें उस इनोवेटिव आइडिया को एक इनोवेशन में चेंज करेंगे, जो कि किसी न किसी समस्या को, पर्यावरणीय समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ BCA की छात्र हैं या और अदर भी छात्र लिए गए जी? बिल्कुल, इसमें BCA के साथ ही साथ हमारे जो कला संकाय और अन्य विभाग के छात्रों छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया है। और यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो इसकी थीम है अर्थ और टेक्नोलॉजी, इसके विषय में इन्होंने संपूर्ण चर्चा करी है और इनके शॉर्ट मूवीज़ में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में हम अच्छे से अच्छे इसी प्रकार के कार्यक्रम हम अपने जनपद और अपने महाविद्यालय को समर्पित कर पाएंगे। डॉक्टर शशिधर गुप्ता, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज 22 अप्रैल 2022 है और पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस का आयोजन हो रहा है। हमारा महाविद्यालय भी इसको बड़े भव्य तरीके से और सार्थक रूप में इसको मना रहा है, जिसमें हमारे छात्र भी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमारे बच्चों के द्वारा पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, शॉर्ट मूवी मेकिंग कंपटीशन, इनोवेटिव आइडिया एंड सोल्यूशन कंपटीशन, इस तरह के 3 तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं बच्चों के लिए। तो हम इसको, इसके महत्व को समझते हुए और उस महत्व को बच्चों से जोड़ते हुए इस पृथ्वी दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी जुड़े हुए हैं। और एक और ख़ास करके
BCA के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शशिधर गुप्ता जी का की परिकल्पना जो आज हम इस रूप में देख रहे हैं और इसको भव्य तरीके से मना रहे हैं।